बच्चों मिश्र वाक्य की परिभाषा और प्रधान उपवाक्य आश्रित उपवाक्य ये सब पहले वीडियो में बता चुका हूं। आश्रित उपवाक्य में भी कल के वीडियो में मैंने आपको प्रधान उपवाक्य के अलावा आश्रित उपवाक्य में संज्ञा आश्रित विशेषण आश्रित उपवाक्य बताया। आज क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य ये मैं आपको बता रहा हूं। तो क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य ये चार प्रकार के हैं। नंबर एक है रीतिवाचक क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य। नंबर दो स्थानवाचक क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य और नंबर तीन कालवाचक क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य। नंबर चार परिमाणवाचक क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य। तो इनको पहचाना कैसे जाए और किस प्रकार से हमें कैसे पता चलेगा कि ये क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य है और क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य किस भेद में आता है। तो सबसे पहले मैं आपको यह बताता हूं कि किसी भी मिश्र वाक्य में यदि जब जो जब जहां जिस तरह ऐसे व्याधिकरण समुच्चय बोधक आते हैं, इसका मतलब है कि वो क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य हैं। क्यों? क्योंकि ये क्रिया की विशेषता है और क्रिया की विशेषता बताने के नाते ये क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य है। अब जैसे इनके चार भेद हैं, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, अब इनको अलग अलग पहचानना कैसे जाए, एक एक करके मैं इनके बारे में आपसे पूछ रहा हूं। तो पहला है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। तो रीति का मतलब स्पष्ट है, रीति का मतलब है ढंग, तरीका। रीतिवाचक क्रिया विशेषण हमें क्रिया के होने के ढंग, उनकी शैली को बताता है और इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना होता है, मुख्य क्रिया की पहचान कर मुख्य क्रिया से कैसे प्रश्न करते हैं। तो पहला काम क्या करना है, पहचान करनी है। पहचान किसकी? मुख्य क्रिया की। मुख्य क्रिया की और इसके बाद दूसरा काम क्या करना है, मुख्य क्रिया से कैसे प्रश्न करना है। फिर कैसे प्रश्न, कैसे प्रश्न करने पर यदि हमें उचित उत्तर मिलता है तो निश्चित है वह क्रिया के ढंग को बताएगा, क्रिया किस ढंग से हो रही है। जैसे एक उदाहरण है, तुम ऐसे खाओ जैसे मैं बता रहा हूं। अभी देखिए, तुम ऐसे खाओ जैसे मैं बता रहा हूं। अब ये वाक्य है, अब इसमें जैसे ये व्याधिकरण समुच्चय बोधक है, हमें स्पष्ट हो गया कि ये मिश्र वाक्य है, लेकिन मिश्र वाक्य में ये प्रधान उपवाक्य कौन सा हिस्सा है और आश्रित उपवाक्य कौन सा है,
आश्रित उपवाक्य में कौन सा विशेष, कौन सा आश्रित उपवाक्य है? यदि क्रिया विशेषण है तो क्रिया विशेषण में कौन सा है? तो सबसे पहले हम रीतिवाचक क्रिया विशेषण की पहचान करें। तुम ऐसे खाओ जैसे मैं बता रहा हूं, इसमें मुख्य क्रिया की पहचान करने के लिए तो इसको क्या कर सकते हैं, या तो हम सरल वाक्य में बदल सकते हैं, और सरल वाक्य में बदलने पर जो क्रिया बनी रहती है अंत तक वही क्रिया मुख्य क्रिया होगी। तुम ऐसे खाओ जैसे मैं बता रहा हूं, दो क्रिया है इसमें, एक है बता रहा हूं बताना क्रिया, और दूसरा खाना क्रिया। अब इसमें कौन सी क्रिया मुख्य है? एक तरीका यह है कि व्याधिकरण समुच्चय बोधक के बाद की क्रिया सहायक क्रिया होती है और वो आश्रित उपवाक्य होता है। दूसरा ढंग है कि इसको हम सरल वाक्य के बाद सरल वाक्य में बदल दें। अब सरल वाक्य में बदलेंगे तो एक क्रिया इसमें से बदल जाएगी और दूसरी क्रिया अंत तक बनी रहेगी। तो ये खाओ क्रिया ही इसमें मुख्य क्रिया है। खाओ क्रिया मुख्य क्रिया है। अब हम खाओ क्रिया से प्रश्न करेंगे कैसे खाओ, कैसे खाओ प्रश्न किया हमने, कैसे खाओ। उत्तर मिला जैसे मैं बता रहा हूं, कैसे खाओ जैसे मैं बता रहा हूं। अब यह हिस्सा चूंकि यह क्रिया के होने पर ढंग को बता रहा है इसलिए क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य होगा। इसमें हमें उत्तर कैसे से मिलता है इसलिए यह रीतिवाचक क्रिया विशेषण होगा। दूसरा उदाहरण लीजिए, एक उदाहरण, काला घोड़ा धीरे धीरे दौड़ रहा है। अब इसमें हम प्रश्न करें कैसे दौड़ रहा है, हमें उत्तर मिला धीरे धीरे। तो ये धीरे धीरे क्रिया विशेषण है, लेकिन यह वाक्य सरल वाक्य है, यह वाक्य मिश्र वाक्य नहीं है। और अगर हम इसको मिश्र वाक्य में देखेंगे तो उसके बाद उससे जैसी उपेक्षा थी उसने वैसा ही चित्र बनाया। जैसे उससे जैसी उपेक्षा थी उसने वैसा ही चित्र बनाया। अजस्त मिश्र वाक्य, उससे जैसी उपेक्षा थी उसने वैसा ही चित्र बनाया। अब इसको हम सरल वाक्य में पहले बदल करके अब ये देख लेते हैं कि इसकी मुख्य क्रिया क्या है, क्योंकि दो क्रियाएं हैं इसमें, एक तो थी और दूसरा बनाया। अगर हम सरल वाक्य में बदलेंगे तो ये क्रिया बदल जाएगी, उपेक्षा थी और दूसरा बनाया। सरल वाक्य में बदलेंगे एक क्रिया बदल जाएगी,
उसने उपेक्षा के अनुसार चित्र बनाया। अब देखिए बनाना क्रिया एथालो बनी हुई है और उपेक्षा की क्रिया बदल गई, यानी कि बनाया क्रिया मुख्य क्रिया है और उपेक्षा थी ये सहायक क्रिया हुई, ये हिस्सा जो है आश्रित उपवाक्य हुआ। अब इसमें हम क्या करेंगे, मुख्य क्रिया से प्रश्न करेंगे कैसा चित्र बनाया, कैसा चित्र बनाया, उत्तर आएगा जैसी उपेक्षा थी। तो यहां पर रीतिवाचक क्रिया विशेषण हुआ। अब रीतिवाचक क्रिया विशेषण में हम करेंगे क्या, मुख्य क्रिया की पहचान करेंगे और मुख्य क्रिया से कैसे प्रश्न करेंगे। इसके बाद दूसरा है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण स्थानवाचक क्रिया विशेषण में मुख्य क्रिया से कहां प्रश्न करते हैं, तो इसमें मुख्य क्रिया से कहां प्रश्न करते हैं, अब जैसे वाक्य है तुम जहां पढ़ोगे या तुम जहां जाओगे मुझे पाओगे, तो तुम जहां जाओगे मुझे पाओगे, दो क्रिया है, एक जाओगे दूसरा पाओगे। अब इसमें मुख्य क्रिया से हम कहां प्रश्न करेंगे, और जब हम मुख्य क्रिया से कहां प्रश्न करेंगे तो इसमें जो उत्तर मिलेगा वही जो है कालवाचक स्थानवाचक क्रिया विशेषण होगा। तो कहां जाओगे, कहां जाओगे उत्तर मिला, जहां जाओगे, जहां जाओगे स्थानवाचक क्रिया विशेषण उपवाक्य में मुख्य क्रिया से हम कहां प्रश्न करते हैं। इस तरह से एक वाक्य और देखिए, जिस जगह ईश्वर नहीं है
ईश्वर नहीं है वह जगह शमशान है। अब देखिए जिस जगह ईश्वर नहीं है वह जगह शमशान है, इसको सरल वाक्य बदलते हैं तो ईश्वर को के ना होने की जगह शमशान है, ईश्वर के ना होने की जगह शमशान है। अब देखिए शमशान है ये क्रिया पूरी तरह से यथावत बनी हुई है और नहीं है यह क्रिया ना होने में बदल गई, नहीं है क्रिया ना होने में बदल गई और शमशान है यथावत बनी हुई है। इसका मतलब क्या है कि नहीं है क्रिया जो है ये हिस्सा आश्रित उपवाक्य होगा और दूसरा हिस्सा प्रधान उपवाक्य होगा, तो प्रधान उपवाक्य की क्रिया ही मुख्य क्रिया होगी। अब हम प्रधान उपवाक्य की क्रिया मुख्य क्रिया से प्रश्न पूछते हैं, तो प्रश्न कहां या किस, तो हम कहेंगे किस जगह शमशान है या कहां शमशान है, कहां शमशान है ये प्रश्न किया, उत्तर मिला जिस जगह ईश्वर नहीं है, जिस जगह ईश्वर नहीं है इसका मतलब क्या हुआ कि यह स्थानवाचक क्रिया विशेषण है, यह जिस जगह स्थानवाचक क्रिया विशेषण है क्योंकि यहां पर क्रिया के होने के स्थान संबंधी विशेषता बताई जा रही है इसलिए यह स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। आगे एक वाक्य और है, वहां रास्ता बंद है, अब ये देखिए तुम जहां जा रहे हो वहां रास्ता बंद है, इसको सरल वाक्य बनाएंगे तो सरल वाक्य में तुम्हारे जाने की जगह रास्ता बंद है, तुम्हारे जाने की जगह रास्ता बंद है, यानी बंद है क्रिया मुख्य क्रिया है और जा रहे हो क्रिया आश्रित क्रिया है, सहायक क्रिया है क्योंकि जा रहे हो क्रिया बदल गई किसमें, जाने की। तो हम प्रश्न किससे करेंगे, बंद है, हम कहेंगे कहां रास्ता बंद है, प्रश्न किया हमने कहां रास्ता बंद है, उत्तर मिला जहां जा रहे हो तो ये कालवाचक स्थानवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण के बाद तीसरा भेद है इसका कालवाचक क्रिया विशेषण। Ah.
क्या विशेषण है? अब कालवाचक क्रिया विशेषण में हम मुख्य क्रिया से कब प्रश्न करते हैं, मुख्य क्रिया से कब प्रश्न करते हैं? मुख्य क्रिया पहचानने का तरीका आपको आ गया है। अब उदाहरण एक है, जब डॉक्टर मरीज के पास पहुंचा वह मर चुका था, अब इसमें सरलवाक्य अगर हम बनाते हैं तो डॉक्टर के मरीज के पास पहुंचने तक वह मर चुका था, तो मर चुका था यह क्रिया अंत तक बनी हुई है और पहुंचा क्रिया बदल जाती है पहुंचने पर, इसका मतलब यह सहायक क्रिया है और मर चुका था क्रिया मुख्य क्रिया है। तो हम इससे प्रश्न करते हैं कब, कब पहुंचा उत्तर मिला जब पहुंचा, तो क्या है कि यह पहुंचना शब्द क्रिया के समय संबंधी विशेषता को बता रही है, यह क्रिया के समय संबंधी विशेषता बता रही है, इसलिए यहां पर कालवाचक क्रिया विशेषण है। इसी तरह से दूसरा उदाहरण, दूसरा उदाहरण है, जो ही मैं रेलवे स्टेशन पहुंचा गाड़ी जा चुकी थी, जो ही मैं रेलवे स्टेशन पहुंचा गाड़ी जा चुकी थी, सरल वाक्य बनाएंगे तो मेरे रेलवे स्टेशन पहुंचने पर, ये पहुंचा क्रिया क्या हो गई, पहुंचने पर, पहुंचने पर और गाड़ी जा चुकी थी, ये क्रिया यथावत बनी हुई है, यानी यही मुख्य क्रिया है। और हम इसी से प्रश्न करेंगे कि कब गाड़ी जा चुकी थी, प्रश्न कब गाड़ी जा चुकी थी, उत्तर मिला जब मैं पहुंचा, तो इसका मतलब यह जब मैं स्टेशन पहुंचा यह क्रिया के पहुंचने के समय को बता रहा है, इसलिए यह कालवाचक क्रिया विशेषण है। इस तरह अंतिम क्रिया विशेषण जो अंतिम भेद है इसका, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। परिमाणवाचक
परिमाणवाचक क्रिया विशेषण में मुख्य क्रिया से कितनी प्रश्न करते हैं। अब जैसे उदाहरण है, जितना परिश्रम करोगे करोगे उतना फल पाओगे, उतना लाभ पाओगे। तो इसमें दो क्रिया है, करोगे पाओगे। तो परिश्रम के अनुसार लाभ पाओगे, यानी परिश्रम करने के अनुसार। अब ये करोगे क्रिया करने के अनुसार हो गया, करने के अनुसार, और ये क्रिया बदल गई, पाओगे क्रिया यथावत बनी हुई है, यानी यह क्रिया मुख्य क्रिया है। और हम इस क्रिया से जब प्रश्न करेंगे कितना लाभ पाओगे, उत्तर मिला जितना परिश्रम करोगे। अब ये परिश्रम करने की मात्रा संबंधी विशेषता को बता रहा है, और इस कारण से यह परिमाण वाचक क्रिया विशेषण है। और इसका एक और उदाहरण देखिए, जितना भ्रष्टाचार बढ़ेगा उतना असंतोष होगा। अब देखो, भ्रष्टाचार बढ़ने के अनुसार असंतोष होगा। अब बढ़ना क्रिया बढ़ने हो गई और होगा क्रिया ऐसे बनी हुई है, तो हम इससे पूछते हैं कितना, प्रश्न करते हैं कितना असंतोष होगा। उत्तर मिला जितना। तो ये जितना शब्द से हमें क्या हो रहा है, असंतोष की मात्रा पता चल रही है कि कितनी मात्रा होगी, किस रूप में होगी। तो यह क्या है कि परिमाण वाचक क्रिया विशेषण है। तो आश्रित उपवाक्य में इसके चारों भेदों को पहचानना और इसमें मुख्य क्रिया पहचानना, उनसे कौन सा प्रश्न करना, जैसे रीतिवाचक में कैसे प्रश्न करना, कालवाचक में कब प्रश्न करना, स्थानवाचक में कहां प्रश्न करना, परिमाण वाचक में कितना या कितना प्रश्न करना, इसके बाद उत्तर मिलता है तो वह क्रिया विशेषण होता है। आज आपको ये बताया, उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। कोई दिक्कत होगी तो फिर प्रश्न करिएगा। धन्यवाद।